अरे मोदी जी, आप कहाँ रहते हो भाई? आजकल तो दिखते ही नहीं हो। और बताओ क्या हाल चाल है भाई? अरे योगी बाबा, आप भी आए हो क्या हमारे कोड़े पे तापने के लिए? अरे भाई, आज तो मैं 5,000 की लकड़ी बना दिया भाई। एक दिन की मेरी 5,000 की लकड़ी जाती है, इससे कम तो नहीं। पूछ लो अखिलेश बाबू से। क्या अखिलेश बाबू, हमारे इधर से 5,000 की लकड़ी भर जाती होगी ना? अरे मोदी चाचा, अरे योगी भैया, अमित शाह भैया, जो भी बात राहुल बोल रहा है सब बात सही है। देखो राहुल भाई ना, जब से मैं यहाँ पर बैठने आता हूँ ना, तब से मैं देख रहा हूँ कि एक दिन की इसकी 5,000 की लकड़ी भर जाती है। और अगर मोदी चाचा, अगर राहुल भाई की मदद करोगे ना, तो ये बहुत सारे आदमी की मदद करता है। और योगी बाबा, जाते जाते राहुल भाई को 500 रुपए दे देना भाई। अरे योगी बाबू, थोड़ा राहुल भाई को 500 रुपए दे देना यार। राहुल भाई को 500 दे दोगे ना, तो हमारी बहुत नाम हो जाएगा। और हाँ अखिलेश बाबू, एक बात बताओ यार। सुने राहुल भाई, तुम्हारे बहुत बढ़िया बिजनेसमैन हो गए, आप तो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, ये बात सच है अखिलेश बाबू? अच्छा अमित शाह भैया, आजकल तुम तो दिखे नहीं रहे हो भाई, देख रहे हैं कि तुम आजकल तुम्हारी वीडियो वीडियो कुछ बनी नहीं रही है। अरे मोदी चाचा ठीक है भाई, जैसा आप बोलोगे भाई वैसे मैं करूंगा। और वैसे बता दूं मोदी जी, हमें 2024 में यार पीएम बनना है, तो क्या मोदी जी आप हमें पीएम बना दोगे? और राहुल गांधी भाई, तुम्हारे इधर से भी वोट हमको मांगता है भाई, तुम चुनाव मत लड़ना। अखिलेश बाबू तुमको मैं तो 500 नहीं 5,000 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे वोट चाहिए ही चाहिए। अरे योगी बाबू बिल्कुल टेंशन मत लो यार, तुम्हारे लिए जीव जान हाजिर है। देखो अगली बार तुम चुनाव लड़े देना, तुमको सीएम के लिए मैं बहुत मेहनत किया था भाई, लेकिन अगर इस बार तुम पीएम बनोगे ना, तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, टेंशन मत लो। मोदी जी से मेरे बारे में पूछ लो यार, मोदी जी की प्रचार पूरे गुजरात में मैं करता हूँ। अखिलेश बाबू तुम भी मदद करना भाई। अरे राहुल गांधी भाई तुम बिल्कुल टेंशन मत लो यार, तुम्हारे लिए जो जान हाजिर कर दूंगा। और देखो योगी की रही सवाल बात, तो भाई योगी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, क्योंकि योगी बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर है भाई ना, बहुत फेमस है। अरे मोदी जी काहे चुप चुप मार के बैठे हो भाई? अमित शाह को देखो चद्दर ओढ़ के बैठे, ऐसा लग रहा है कितनी ठंडी पड़ रही है आज। अरे अखिलेश बाबू क्या करें भाई, आज तो हमें बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। और देखो कल हम गए थे पुल के पास मजदूरी करने के लिए, और योगी बाबा भी थे, आप भी थे, और भाई जब से मैं वहां से आया हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, इसके लिए भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और देखो योगी बाबा की बात रही, तो योगी बाबा भाई अंदर इनर उनर पहने थे, तो इन्हें तो बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही थी। अरे मोदी चाचा हमको भी ठंडी लगता है भाई, तुम कैसे बोलते हो कि हमको ठंडी नहीं लगता है भाई? मैं जब से वहाँ पुल के पास से काम करके आया भाई ना, कम से कम 100-200 रुपए की दवाई खा गया होगा। अगर तुमको विश्वास नहीं है ना, तो एक बार अखिलेश बाबू से पूछ लो। क्यों अखिलेश बाबू, तुम बताते क्यों नहीं हो हमारे बारे में? देखो मोदी जी की तबीयत खराब हो गई, हमारी भी तो तबीयत खराब हुई थी ना मोदी जी के साथ साथ। अरे मोदी चाचा ये बात सही है, योगी बाबू का भी तबीयत खराब हो गया था, योगी बाबू 200 की दवाई लिए है, तभी इनकी तबीयत ठीक लग रही है। और राहुल गांधी भाई रही सवाल तुम्हारी, तो राहुल गांधी भाई तुम 500 रुपए आज ही ले लो भाई, और कल से मुझे कोड़े पे बैठने की मौका भी दे देना। अरे अखिलेश बाबू ऐसे कोई बात नहीं है भाई, देखो तुम 500 नहीं दोगे तो भी तुम कौड़े पे बैठोगे, अगर 500 दे दोगे तो भी बैठोगे। और रही सवाल मोदी योगी की, बात कहे को हमारे कौड़े पे चलाते हो भाई? अरे मोदी जी हमको थोड़ी पैसे वैसे देते हैं। तो चलो भाई लोग, अगर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।